नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की बड़ी खबर पर। गुजरात के अहमदाबाद इस्कॉन ब्रिज पर देर रात भीषण हादसा हो गया है। यह हादसा अहमदाबाद के सबसे बड़े हादसों में से एक माना जा रहा है, जिसमें 9 लोगों की भीषण मौत हो गई है। इस हादसे में एक सिपाही और एक होमगार्ड की मौत हो गई। राजपथ क्लब की ओर से आ रही एक कार ने लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में सड़क पर खून का गड्ढा भर गया। हादसा इतना भीषण था कि लोग 25 से 30 फीट दूर जा गिरे, जैसा कि फिल्मों में होता है। हादसा देर रात हुआ था, जबकि एक महिंद्रा थार इस्कॉन पुल से गुजरते समय एक डंपर के पीछे टकरा गई। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन बाद में जब लोग ये हादसा देख रहे थे तो एक गंभीर हादसा हो गया। उस वक्त कर्णावती क्लब की ओर से आ रही जगुआर कार 160 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ रही थी। ये कार हादसा देख रही भीड़ में जा घुसी, जिसमें कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह समेत 9 लोगों की मौत हो गई। एक थार जीप आवे थे ये अने डंपर ने अकस्मात थयो तो आ अकस्मात ने अंदर थार ने नुकसान थवा थी त्या एने पुलिस ने जाण करता पुलिस कर्मचारीओ तपास माटे आवेला हता अने कोई पण भेगू थई गयो तो आजुबाजु अकस्मात जोवा माटे। आ दरमियान एक जगुआर गाड़ी खूब ज स्पीडमां आवी अने आ जे 15 થી 20 માણસો આજુબાજુ જોવા માટે ઊભેલા હતા અને પોલીસ તપાસમાં ત્યાં હાજર હતી એના ઉપર પોતાની ગાડી ચડાવી દીધેલી અને જેના કારણે ખૂબ જ ગંભીર પ્રકારનો અકસ્માત થયો અને આની અંદર ઓન ધ સ્પોટ અહીંયા લગભગ 6 માણસો એક્સપાયર થઈ ગયા છે સ્થળ ઉપર અને બાકીનાને જુદી જુદી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ લઈ જવામાં આવ્યા છે। આ અકસ્માતની અંદર અમારા જે પોલીસ કર્મચારી SG2 પોલીસ સ્ટેશનના કર્મચારી છે એ પણ એક્સપાયર થઈ ગયા છે। તો ખબરોમાં બસ ઇતના હી। દેખતે રહે દિવ્ય ભારત ન્યૂઝ। નમસ્કાર।